घर में बना है मटन तो तैयारी शुरू हो जाती है कि खूब सारे मसाले भूनो, प्याज टमाटर लहसुन अदरक का तेल छोड़ने तक मसाला भूनो। जी हाँ, लग रहा है ना आपको ये मटन बहुत ही मज़ेदार और टेम्पटिंग। आप गैस कर सकते हो कि ये मटन सिर्फ, जी हाँ सिर्फ सिर्फ पानी के साथ बनाया है, कोई मसाला नहीं भूना, कुछ नहीं किया। आप चाहें तो उसका ड्राई वर्जन बना सकते हैं दम दे के, जैसे कि मैंने दिखाया आपको इस वीडियो में, या आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं ग्रेवी वाला वर्जन। इसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम मटन, उसमें एक चम्मच आप डालिए नमक का, उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और रब कर लीजिए हर एक पीस के ऊपर। ऐसा करने से मटन के जूसेस बहुत अच्छे से रिलीज हो जाएंगे और मटन बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हमने सिंपली एक भगोना लेना है, कोई तेल घी अभी नहीं डालना। हमने डालना है इसमें हमारा मैरिनेटेड मटन, कुछ एक लहसुन की बड़ी मोटी फांके, थोड़ा सा अदरक, कुछ बारीक काटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा खड़ा मसाला डाल दीजिए और कुछ हरी मिर्चें डाल दीजिए इसके अंदर। और देखिए मैंने कोई तेल नहीं डाला, कोई मसाला भूना नहीं। अब इसमें आप डालिए पानी, जी हाँ सिर्फ पानी डालिए, करीबन एक से डेढ़ कप भर के बड़े। और अगर आपने दम में पकाना है तो आप इस ढक्कन को इस तरह से आटा लगाइए और इसको अच्छे से कर दीजिए सील। गैस को कर दीजिए बिल्कुल धीमा और इसकी भाप ना ली को, इसके लिए आप इसके ऊपर कुछ भारी वजन रख दीजिए। तो अब इसको 2 घंटे कम से कम बहुत ही लो हीट पे पकने दीजिए। घंटे हो गए हैं, अब हम खोल के देखते हैं मटन। आह क्या बढ़िया अरोमा आया है इसका, बहुत ही बढ़िया। ये मटन जो है वो ऑलमोस्ट 90% पक चुका है। अब बस हमने इसमें थोड़ा सा तड़का मारना है देसी घी का। तो एक पैन में आप लीजिए 2 बड़े चम्मच देसी घी, देसी घी ही डालिए, उसी से इसका टेस्ट बहुत उभर के आएगा। उसको अच्छे से कर लीजिए गर्म और इस मटन के ऊपर आप उसको डाल दीजिए और फिर से इसको मिक्स कीजिए और फिर से इसको पका लीजिए करीबन 10 से 15 मिनट आप लो हीट पे पका लीजिए। देखिए कितना बढ़िया से मटन गल गया, एकदम से मेल्ट इन द माउथ है और जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही औसम है। थोड़ी सी डालिए कसूरी मेथी इसके ऊपर, इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी थोड़ी अगर आपने रखनी है तो रख लीजिए, वरना आप चाहें तो इसको आप सुखा भी सकते हैं। तो लीजिए हमारा मटन हो गया तैयार, थोड़े जिंजर जूलियन डालिए और थोड़ी सी फ्रेश हरी मिर्ची इसके ऊपर डालिए, इसका स्वाद चुगना हो जाएगा। जी ललचारा को आपको इसको देख के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें। आप सोच रहे होंगे कोई मसाला नहीं भूना, कोई टमाटर प्याज नहीं डाले, कोई बात नहीं, आपको मटन का जो टेस्ट आएगा इस तरह से बनाने में वो आपको कभी भी ग्रेवी वाले में नहीं आएगा। मैंने इसका बनाया है ये ड्राई वर्जन जो दम पे बनाया है, थोड़ी ग्रेवी भी रख सकते हैं। ड्राई वर्जन है तो लेमन के साथ सर्व कीजिए, चखना में या वैसे भी स्नैक्स में खाने में बहुत ही यम्मी लगेगा। अब देखिए प्रेशर कुकर वाला वर्जन, बस आप प्रेशर कुकर में पानी डालिए, मटन डालिए, इसके अंदर आप डाल लीजिए लहसुन अदरक, थोड़ा सा प्याज भी मैंने इसमें डाला है जस्ट टू हैव इट चेंज ऑफ टेस्ट, थोड़ा नमक डाला, हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा खड़ा मसाले का पाउडर डाल दिया मैंने इसमें और मैंने डाला है इसमें 1 कप पानी। इसे एक बार अच्छे से चला के आप कुकर बंद कर दीजिए, 1 विसल हाई पे करा के आप इसकी जो हीट को बिल्कुल लो फ्लेम पे करके 40 मिनट तक पकाइए और देखिए क्या मज़ेदार मटन एकदम से मेल्ट इन द माउथ गला हुआ बहुत ही फ्लेवर सम मटन तैयार है। इसमें डालिए 1 चम्मच देसी घी का, थोड़ा सा इसको 5 मिनट पकाइए, हरा धनिया डालिए, थोड़ी कसूरी मेथी डालिए, लीजिए आपका मज़ेदार सिर्फ और सिर्फ पानी में बना हुआ मटन तैयार है। शेयर कीजिए ये रेसिपी और मुझे बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।